और इस वक्त की बड़ी खबर शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने देश में यूसीसी लागू करने के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बार बार GYAN यानी कि ज्ञान पर फोकस किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर वार जारी है, जारी रहेगा। मोदी ने दावा किया है कि संकल्प पत्र एक बार फिर मजबूत और स्थिर सरकार की गारंटी है। तो यूसीसी पर जोर दिया गया है, ज्ञान पर जोर दिया गया है। सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आदर्शी ने कहा कि संकल्प पत्र केवल जुमला पत्र है, 10 साल से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए हैं। बीजेपी नौकरियों का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। इससे बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं नहीं होगा। जिस आयुष्मान भारत का डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, पिछले साल में पूरे देश भर में आयुष्मान भारत पर पूरा खर्चा मात्र 8,000 करोड़ हुआ है, जो दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के भी स्वास्थ्य बजट से कम है। आज इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। और इस बीच बीजेपी के संकल्प पत्र पर राजनीति तेज हो गई है। विरोधियों ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने संकल्प पत्र को पूरी तरीके से खोखला बताया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में MSP का जिक्र नहीं है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है,
सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जिस आदमी की खुद की गारंटी नहीं, उनकी पार्टी गारंटी दे रही है। सवाल उठाया कि अगर गारंटी थी तो 15 लाख रुपए कहां है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और मोदी की गारंटी नाम दिया है, सर क्या प्रतीक, क्या नाम दिया है? जिस आदमी की खुद ही गारंटी नहीं, उसकी गारंटी पार्टी दे रही। अरे गारंटी थी तो कहाँ है 15 लाख रुपये हिंदुस्तान के हर परिवार का? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ हर परिवार की? कहाँ है महंगाई कम करने के जो गारंटी दी थी? कहाँ है आम महिलाओं की सुरक्षा? कहाँ है लाल आंखें दिखाकर बात करने की चीन से क्षमता? हर मोर्चे पे तो मोदी सरकार असफल हो गई, इसीलिए 2014 में कुछ मुद्दे रखती है, 2000 में कुछ नाम बदल देती है, और 2024 में तो सिर्फ नाम बदला है, इरादे नहीं। इसमें तो महंगाई बेरोजगारी से लड़ने की कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं घोषणा पत्र में। महंगाई तो, इन्फ्लेशन तो कम हुई है जो आंकड़े भी आए हैं, 400 प्लस का दावा कर रही है सरकार सीजन के हिसाब से, और सीजन के हिसाब से पॉइंट कुछ कम होना। अरे यहाँ तक पहुँची कैसे? 1 पॉइंट भी तो कम नहीं हुई है, 0.00 कुछ कम हुई है। हम देख रहे हैं कि हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, सिर्फ इंसान की जान छोड़। सरकार तो सर 400 प्लस का दावा कर रही है, लग नहीं रहा ये गारंटी इस आंकड़े को लेकर। जमीनी हकीकत कुछ और है, हम लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं, मोदी जी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे। अब हमारी बात आलोचना के रूप में बोलेंगे, मैंने 2019 में प्रचार किया है, 2014 में किया है, मोदी जी का एक प्रचार दिखता था, अब तो ना वो भीड़ आ रही है, ना रोड शो में वो उत्साह है, और मतदाता खामोश पड़ा है इनका, इनका मतदाता खामोश। तो मुझे तो लगता है कि शायद 400 का जो सपना दिखा रहे हैं, इनको 150 पार करना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के लिए किस तरीके से आप चुनौती देख रहे हैं, कितनी बड़ी है घोषणा? अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं, इनके घोषणा पत्र में कोई आकर्षण नहीं है। आज आम आदमी किस चीज़ से परेशान है? महंगाई से, बेरोजगारी से, जिस तरीके से बहुत सी जगहों पर आम आदमी की जो इच्छा थी नहीं पूरी हुई है, तो उसे पूरा करने की किसी इच्छा शक्ति का एहसास इनका घोषणा पत्र नहीं कराता। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, मोदी जी का जो मिशन है वही हमारा मिशन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का ये रिएक्शन आया है, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव की गारंटी, पूरे होने की गारंटी है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को ले, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो 4 आधार बनाए गए हैं, वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है और 2 बाइक सवार बदमाशों ने
गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की। संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने सलमान के घर की बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की, यही वो बाइक है जहां पर दो बाइक सवार आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, साथ ही साथ फॉरेंसिक और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और हर एंगल को देखते हुए जांच चल रही है। ये जो दो संदिग्ध आए थे इन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो संदिग्ध सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। नम्रता हमारे साथ जुड़ गई। नम्रता, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, किस वक्त का ये पूरा वाकया था और फिलहाल इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? जी अवधेश, आपको बता दें कि बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान के बैंड्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये चार राउंड की फायरिंग हुई है और ये जो पूरा वाकया है ये सुबह 4:15 बजे का है, जब इस पूरी सड़क पर अंधेरा होता है, उतना उजाला नहीं होता और रविवार का दिन है तो आमतौर पर जो जॉगिंग के लिए लोग आते हैं वो लेट आते हैं। तो यहाँ पर इस सामने वाले रास्ते से दो संदिग्ध बाइक पर आए, उन्होंने अपनी बाइक को यहाँ पर रुकाया और उसके ठीक सामने सलमान खान का ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है जिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग का एक निशान अगर हम आपको दिखाएं तो दीवार पर भी बना है जिसको मार्क किया गया है फॉरेंसिक की टीम की तरफ से, और दूसरी तरफ ये वही बालकनी है जिसमें सलमान खान आकर अपने फैंस को ग्रीट करते हैं। दो दिन पहले की बात है जब सलमान खान ईद के मौके पर अपने तमाम चाहने वालों से मिलने के लिए आए थे और इसी बालकनी से उन्होंने उन लोगों का अभिवादन किया था। दूसरी तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं कि मुंबई के बांद्रा की सड़क पर ये तस्वीर नजर आ रही है, गोलीबारी हुई है यानी कि गोली चलाई गई और इस गोली का निशान यहां पर अगर आप देखें तो बकायदा मार्क किया गया है क्योंकि चार राउंड का फायर हुआ है। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची, लगातार छानबीन की गई जिसके बाद एक जिंदा कारतूस जो है वो भी बरामद किया गया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज उनके पुलिस के हाथ लग चुका है, क्राइम ब्रांच की पुलिस यहां पर पहुंची थी, मुंबई पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे और लगातार छानबीन की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो दो बदमाश यहां पर आए थे उन्होंने अपना जो चेहरा है वो पूरी तरह से ढक रखा था और जो पीछे बैठा था उसने फायरिंग की। तो फिलहाल पुलिस चल रही है, हमारे साथ बनी रही है। बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बात की है। एकनाथ शिंदे ने सलमान खान को फोन किया है, घर के बाहर फायरिंग को लेकर सलमान खान से उन्होंने बातचीत की है। एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी बात की है और सलमान की सुरक्षा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से धमकियां उन्हें भी पहले मिलती रही, नम्रता हमारे साथ लगातार बनी है। नम्रता, मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, क्या सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी? क्योंकि 2023 में भी सलमान खान को धमकी दी गई थी, मेल के जरिए भी धमकी आई थी और माध्यमों से भी धमकी मिली थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद सलमान खान से फोन पर बात की है, उनको इस बात की तसल्ली दी है कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। 2022 की अगर बात मैं करूं तो 2022 में ये वो एरिया है जहां पर उनके पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिली थी और चिट्ठी में रिगार्ड्स लॉरेंस बिश्नोई लिखा था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा ऑलरेडी बढ़ाई थी। लेकिन फिर 2023 में एक मेल आता है, मेल के जरिए फिर से धमकी दी जाती है। तो इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उन्होंने उसमें अपना अपडेट किया था और वाई प्लस की जो सिक्योरिटी है वो सलमान खान की अपग्रेड की गई। और अब एक बार फिर अगर बात करें तो मेल और चिट्ठी के बाद सीधे फायरिंग की वारदात सामने आती है, तो जिसको जो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, इसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बात की है और सुरक्षा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुख्ता की गई। अवधेश, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मुंबई पुलिस की टीम तो तैनात ही है, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले की अच्छी सी जो है जांच की जा रही है और आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरास हैं उन पर भी नजर रखा जा रहा है, क्योंकि अगर 2022 की बात करें जब सलीम खान को चिट्ठी मिली थी धमकी भरी, तो जिस आरोपी ने वो चिट्ठी रखी थी वो अब तक पकड़ा नहीं गया। ईमेल का जो एक आईपी एड्रेस है वो लंदन का था, लेकिन उसके पीछे कौन था, आरोपी कौन था भेजने वाला, वो पकड़ा नहीं गया। और अब फायरिंग की वारदात सामने आई, तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को इस पूरे मामले में अरेस्ट नहीं किया गया है। क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि जो ये धमकी देने वाले लोग हैं या जो डराने वाले लोग हैं, इनके मंसूबे लगातार बुलंद हो रहे हैं। पहले धमकी देते हैं,
उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है और मामला फायरिंग तक पहुंच जाता है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, सलमान के घर फायरिंग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि फायरिंग में बिश्नोई गैंग का हाथ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बिश्नोई गैंग के सदस्य हो सकते हैं संदिग्ध, दोनों आरोपी महाराष्ट्र से नहीं है, तो यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है और यह पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बाइक पर दो लोग थे और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ से भागे, तो इसके लिए हमने टीम बनाई है, FIR रजिस्टर हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है, सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे। घर के सामने फायरिंग हुई है, हवा में इन्होंने फायरिंग की थी और 4-5 राउंड फायर हुए, अब तक कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है, बट उसके लिए हम अभी हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी टीमें बनाई गई है और हम हर एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही हम आरोपी को पकड़। तो सुना आपने, हर एंगल से जांच हो रही, नम्रता लगातार हमारे साथ बनी हुई। नम्रता, अगर हम बात करें पुलिस की जांच की, वाई प्लस सिक्योरिटी सलमान खान के पास पहले से पुलिस जांच करी, लेकिन बिश्नोई गैंग का नाम बार बार सामने आ जाता है। बिश्नोई गैंग का आखिर क्या बार बार ताल्लुक इन धमकियों से रहता है और क्या इस बार भी जो मुख्य रूप से शक जा रहा है उन्हीं पर जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी जब फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान एक जानवर के शिकार का मामला सामने आया था और राजस्थान के उस लोकेशन पर वो लोग उस हिरण को पूछते थे, तो वो कनेक्शन को लेकर पहले धमकियां दी गई सलमान खान को कि आपने हमारे जिनको हम पूछते हैं उन पर हत्या की, हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद जो अब 2022 और 23 की अगर मैं बात करूँ, कोविड के आफ्टर की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की कोशिश है कि वो बॉलीवुड में अपनी पैठ जमाए। बहुत सारे पुलिस सोर्सेस ने ये भी बताया कि वो दाऊद इब्राहिम की तरह अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर स्टैब्लिश करना चाहता था, तो ये जो हथकंडे हैं वो लगातार अपना रहा था। तो सलमान खान को खुले तौर पर चुनौती देना, कभी मेल करके धमकी देना, कभी चिट्ठी रखना और फायरिंग करना, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक अंडरवर्ल्ड का है या फिर गैंगस्टर्स का पूरा ये गैंग का है उसमें अपनी पैठ जमाने की कोशिश होती है और दाऊद इब्राहिम जैसे बनने की कोशिश करना, तो ये इसकी शुरुआत राजस्थान के केस से होती है। लेकिन लगातार धमकी के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं, देश की ना सिर्फ बैंड्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट जो पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, वहां की भी रेकी की जाती है जिसको लेकर पुलिस जो है वो छानबीन करती है। तो सलमान खान पर जो थ्रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी जरूर बढ़ी है कि सलमान खान को किसी तरह की कोई आंच ना आए, क्योंकि वो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े वक्त से वो काम कर रहे हैं, लेकिन थ्रेट का जो अगर आप लेवल देखें वो भी बढ़ रहा है। रेकी हो, फायरिंग हो, लेटर्स को देकर हो, और इस मामले में अब तक जो है किसी ने इसको क्लेम नहीं किया। पिछले दो मामले में देखें तो बिश्नोई गैंग हो, गोल्डी बराड़ हो, उन्होंने मेल करके या फेसबुक पोस्ट के जरिए क्लेम किया है कि हाँ ये हमारी तरफ से किया गया, लेकिन इस मामले में अब तक किसी का कोई क्लेम नहीं। बिल्कुल नम्रता, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।